सो यप वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे TWS वर्सेस स्नैकबैंड वर्सेस हेडसेट्स के बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं ये छोटा सा ऐलान कर देता हूँ कि आज हम बस वायरलेस हेडसेट्स के बारे में ही बात करेंगे, और वायर्ड हेडसेट्स के बारे में हम कभी और अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो उस वीडियो तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटा सा मैजिक करना होगा कि नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा आ रहा है तो उसे क्लिक करके गायब कर दो। ये वीडियो डिवाइड होगा 6 सेगमेंट में, बजट, साउंड क्वालिटी, कंफर्ट, कॉलिंग, गेमिंग एंड लास्ट में हमारा कंक्लूजन कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो चलो कंटेंट शुरू करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। तो पहला सेगमेंट है हमारा बजट। तो बजट का एक ऐसा सीन है कि अपने को चाहिए बेस्ट, तो इसके लिए हमें पैसा भी चाहिए ज्यादा, तो एटलीस्ट हमारे पास 4 करोड़ तो होना चाहिए। करोड़? और वो भी 4? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? खैर ये तो औकात के बाहर है। अगर बेस्ट बजट रेंज बताओ तो 1500 से 2000 तक ये एक सॉफ्ट रेंज है। अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो प्लीज 1000 के नीचे मत जाना, क्योंकि उन सब का गारंटी ना तो कंपनी लेता है और ना हम। कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हमारा दूसरा सेगमेंट है साउंड क्वालिटी। तो देखो यार, ऑनेस्टली बताओ तो साउंड क्वालिटी के मामले में TWS थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि TWS के कंपैरिजन में सेम प्राइस में हमें हेडसेट्स और नेकबैंड में अच्छे ड्राइवर्स मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली बड़े ड्राइवर्स मीन्स अच्छा साउंड क्वालिटी, पर ऐसे बहुत सारे TWS है जिनमें अच्छे ड्राइवर्स मिल जाते हैं और उनका साउंड क्वालिटी भी अच्छा होता है। फिलहाल अभी तो लोग साउंड क्वालिटी में ANC मीन्स एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी चाहते हैं। अगर आप थोड़े क्राउडेड एरिया में रहते हो, आपको चाहिए कि आपको बाहर का साउंड डिस्टर्ब ना करे, तो हम प्रेफर करेंगे इसमें कि आप हेडसेट्स की तरफ जाओ, क्योंकि उनका पैसिव नॉइस कैंसिलेशन TWS और नेकबैंड के मामले में अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमारे पूरे कानों को ढक देता है तो बाहर का साउंड ऐसे ही नहीं आता, नॉर्मली अंदर नहीं आता। पर हाँ, ऐसे बहुत सारे TWS और नेकबैंड है जिनमें ANC मिल जाता है, तो अगर आप नेकबैंड और TWS में से ही लेना चाहते हो तो मिल जाएगा आपको वो ANC, तो उन सब के साथ भी आप जा सकते। बढ़ते हमारा अगला सेगमेंट कंफर्ट में, जहां हमारे पास है 3 एग्जांपल्स। अगर आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हो, आपको वेयर्स का झंझट बिल्कुल नहीं चाहिए और आपको मिनिमल लुक पसंद है, तो TWS के साथ आपको जाना चाहिए। और अगर आप ज्यादा ट्रेवलिंग वगैरह करते हो, भीड़ भाड़ में जाते हो, तो TWS का खोने का डर तो रहता है, तो इसलिए अच्छा है कि आप नेकबैंड के साथ जाओ, क्योंकि क्राउडेड एरिया में अगर आपका TWS गिरा तो समझो गया। लेकिन हाँ, अगर आप कंफर्ट को ज्यादा प्रेफर करते हो तो आपको हेडसेट से पीछे रहना चाहिए, क्योंकि वो जनरली थोड़ा बल्की होता है, तो कंफर्ट के मामले में अगर आपको TWS के गिरने का डर नहीं है तो आप TWS के साथ जा सकते हो, नहीं तो नेकबैंड ले सकते हो। अगर आप इनमें से हो। बोलो। मुझे ना आपको एक बात बतानी है। क्या बतानी है बताओ। बट आप गुस्सा नहीं करोगे? अगर आप कॉलिंग वगैरह में ज्यादा रहते हो, आपको साउंड रिकॉर्ड करना है तो माइक का जरूरत पड़ता है, तो माइक के मामले में नेकबैंड के साथ जा सकते हो, क्योंकि उनका माइक जनरली हमारे मुंह के सामने रहता है तो हमें ज्यादा जोर से बोलना नहीं पड़ता। और हाँ, कॉलिंग की बात आ ही गया है तो मैं और एक बात पेश करना चाहूंगा कि आजकल बहुत सारे हेडफोन में ENC का सपोर्ट मिल जाता है, एट द टाइम हमारे आसपास के एनवायरमेंटल नॉइस को कैंसिल कर देता है। तो अगर आप हेडफोन से रिकॉर्ड या कॉलिंग वगैरह करते हो तो नेकबैंड विल बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। का सेगमेंट है उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत गेम खेलते। देखो, मैंने थोड़ा बहुत इसलिए बोला है क्योंकि वायरलेस हेडफोन्स के साथ अच्छे से गेम खेला नहीं जा सकता, उनका लेटेंसी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आपको गेम ज्यादा खेलना है तो आप वायर्ड हेडसेट के साथ जा सकते हो। आपको थोड़ा बहुत हार्डकोर गेम्स लाइक फ्री फायर, BGMS, COD वगैरह खेलना है तो हाँ, आप वायरलेस हेडफोन के साथ जा सकते हो, पर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप TWS के साथ जाओ, क्योंकि उनका लेटेंसी बहुत ज्यादा खराब रहता है। अगर आप गेमिंग के लिए वायरलेस हेडफोन्स लेना चाहते हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप नेकबैंड और हेडसेट के साथ जाओ। सो फाइनली अब आते हैं हमारे कंफ्यूजन पर कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो, अगर आप थोड़ा गेम खेलते हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको साउंड अच्छा चाहिए, आप साउंड का क्लियरिटी ज्यादा पसंद करते हो और आपको बल्किनेस से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप हार्ट बन के ज्यादा टाइम हेडफोन्स नहीं पहनते हो, तो आप हेडसेट के साथ जा सकते हो। और अगर आपको हेडफोन्स के साथ एकदम कम्फर्ट रहना है, आपको एकदम मिनिमल लुक पसंद है, आपको एकदम वायर्स के साथ कुछ झंझट नहीं चाहिए, तो आप TWS के साथ जा सकते हो। वरना मेरा फेवरेट है नेकबैंड, क्योंकि वो ज्यादा बल्कि भी नहीं होता, उसका गिरने का चांसेस भी कम रहता है और में गेम भी थोड़ा बहुत खेल सकते हो। अगर आपको रिकॉर्ड वगैरह करना है तो उसका माइक क्वालिटी भी अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू TWS। अगर आपको ज्यादा बल्कि नहीं चाहिए, आपको थोड़ा कॉलिंग वगैरह को भी प्रेफरेंस करना है, तो मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि आप नेकबैंड के साथ जाओ, तो नेकबैंड एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर देना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। गुड बाय।